के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आने के बाद ईरान सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां ईरानी राष्ट्रपति के सही सलामत होने के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर बयान जारी किया है। असल में इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि हेलीकॉप्टर में सवार लोग किस हालात में है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर पर सवार राष्ट्रपति के कुछ साथी केंद्रीय मुख्यालय से संपर्क करने में सक्षम थे। इससे उम्मीद जागी कि ये दुर्घटना बिना किसी हताहत के खत्म हो सकती है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे और 1 पर खुद रईसी सवार थे। हालांकि राहत की बात ये रही कि बाकी दोनों हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में तबरीज के शुक्रवार की प्रार्थना के इमाम सैयद और विदेश मंत्री हुसैन भी थे। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान देश की सीमा पर स्थित शहर जोल्फा के पास हुई है। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक बचाव कर्मी घटना स्थल तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही है। कहा जा रहा है कि ये पूरी घटना किसी जंगली इलाके में घटी है। अब इस पूरे घटना पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए संवेदना प्रकट की है, साथ ही इब्राहिम रईसी की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की कामना भी की है। रात करीब 10:45 पर पीएम मोदी की ये पोस्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने ईरानी लोगों को हिम्मत रखने की सलाह दी है। असल में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रईसी ने कहा कि ईरान और अजरबैजान गणराज्य फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष इसराइल से नफरत करते हैं। रईसी ने अपने अजरबैजानी समकक्ष इल्हाम के साथ बातचीत के दौरान कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दा इस्लामी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और ईरानी और अजरबैजानी देशों को फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और इजरायली शासन के प्रति उनकी नफरत में कोई संदेह नहीं है। बता दें कि ईरान और अजरबैजान के राष्ट्रपतियों ने अरास की सीमा पर बने संयुक्त किस कलासी बांध के उद्घाटन के लिए एक समारोह के मौके पर मुलाकात की थी। राष्ट्रपति रईसी ने इस परियोजना को विकास का प्रतीक और आपसी सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के दृढ़ संकल्प का संकेत बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि अजरबैजान के साथ ईरान के संबंध अटूट हैं। रईसी ने आगे कहा कि ईरान और अजरबैजान को अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा उन संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिनके दोनों पक्ष सदस्य हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।